तो कैसे हो मेरे सारे एफसी बार्सिलोना के चाहने वालों, सच सच बताना तुम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पीएसजी को हरा पाएंगे या नहीं, कमेंट्स में बताओ। लेकिन उससे पहले भाई, जिन लोगों ने स्पेशली मैड्रिड फैंस ने और जितने भी जो राइवल फैंस, उन्होंने ये कहा था कि बार्सिलोना यहाँ पे जीत नहीं पाएगी, भाई निंजा टर्टल हमको खा जाएगा अपने पेस से, उस मंडे में जो स्नेक है हमको खा जाएगा, कहाँ गए वो लोग, निकलो भाई अपने अपने बिल से। बार्सिलोना ने करके दिखा, यहाँ पे 3-2 के स्कोर लाइन से अवे गेम जीता है आफ्टर 2015, समझ रहे हो, ट्रेबल विनिंग सीजन के बाद फाइनली हम लोग जीते हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है बार्सिलोना के लिए। और हमको सब ने राइट ऑफ कर दिया था बेसिकली कि बार्सिलोना तो हार जाएगी पीएसजी से, एम्बापे है, डेम्बेले है, गोंजालो रैमोस है, विटिनिया फलाना ढिमकाना, इतने सारे नाम में हरा देगा भाई, उनका मिडफील्ड है वर्क हॉर्स, आपको पोजीशन रखने ही नहीं देगा, प्रेस करता जाएगा कंटिन्यूअसली, मार्किनियोस, डोनारूमा, भाई डोनारूमा मतलब मैं बोल नहीं सकता या क्या बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना तुम, ही इज द शिटिएस्ट गोल कीपर एवर, उसने यूरो पे जो कर लिया कर लिया, उसके उसका मतलब 2021 में 3 साल पहले यूरो में अच्छा किया था, सबको पता अच्छा किया था भाई, पेनल्टी सेव भी किए थे, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स दिए थे, अभी तक 3 साल बीत गए हैं, उसी को वो बेच बेच के खा रहा है, उसी का रेपुटेशन पे चल रहा है बंदा, मतलब इतना गंदा डिफेंडिंग, इतना गंदा गोल कीपिंग कोई कैसे कर सकता है। और दूसरी बात देखो भाई, पीएसजी ने गंदा खेला ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन बार्सिलोना ने उनको गंदा खिलवाया, कल शावी ने जो लाइनअप खेला है ना, नॉर्मल लाइनअप नहीं था, क्रिस्टिनसन को स्टार्ट नहीं करवाया, सुन लो अगर मैं यहाँ पे लाइनअप पे नजर मारूँ, ये देखो जूस कुंडे, अराउहो, कुबार्सी और कैंसेलो, बैक फोर तो सही थी, लेकिन मिडफील्ड में सर्जियो रोबर्टो को खिलाया, ये जानते हुए कि उसके ऊपर ऑलरेडी येलो कार्ड है, अगर दूसरा येलो मिलेगा तो वो सेकंड लेग से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्जियो रोबर्टो क्या करता है ना, वो प्ले को डिसरप्ट कर देता है मिडफील्ड में, ऑपोजिशन के अटैक्स को छोटे मोटे टैकल करके, शर्ट पुल वगैरह करके या फिर कुछ भी करके वो रोक लेता है, एक हर्डल क्रिएट कर देता है, इसलिए उसको खिलाया अलॉन्ग साइड गुंडोगन एंड फ्रेंकी डियोंग, जो कि वापस आ चुके थे, भूलना मत भाई, फ्रेंकी डियोंग वापस आने से बार्सा के मिडफील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अप फ्रंट रफिनिया लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे यमाल, और अटैक में नंबर 9 भाई रॉबर्ट लेवनडॉव्स्की। तो ये तो था हमारा लाइनअप। और पीएसजी ने ना मतलब लुइस एनरिके ने पता नहीं दिमाग से ओवरथिंक कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने जो लाइनअप खेला है ना उसमें भाई डोनारूमा तो था, मार्किनियोस राइट बैक, लुकास हर्नांडेस, बलार्डो है ना या फिर बराल्डो, और नूनो मेंडेस का बैक फोर, मिडफील्ड में कैंगली, विटिनिया, रूइज, और अपफ्रंट डेम्बेले, एसेंसियो, एम्बापे, और हाफ टाइम के जस्ट बाद एम्बापे, सॉरी एम्बापे बोल रहा हूँ मैं, एसेंसियो को सब करके बारकोला को लाया, तब उनका अटैक थोड़ा अच्छा हुआ। तो अगर पहले गोल की बात करो ना यहाँ पे भाई, पहला गोल तो कमाल का गोल था, पाओ कुबार्सी 16 साल का लौंडा है, ठीक है 16 साल का लौंडा है, उसने एक शानदार बॉल दिया यहाँ पे लेवनडॉव्स्की को, लेवनडॉव्स्की ने यहाँ पे टर्न करते हुए बॉल फीड किया लामिन यमाल को, यमाल ने वहाँ पे टेक ऑन किया वहाँ पे नूनो मेंडेस को, जिसके पास बहुत ज़्यादा पेस है, एक्सपीरियंस है यूसीएल का, उसके अगेंस्ट उसने 1v1 जीता और बॉल को दे दिया भाई लेवनडॉव्स्की के लिए, जहाँ पे डोनारूमा अगर एक अच्छा कीपर होता या तो वो कैच कर लेता या फिर पंच अवे कर देता, उसने कुछ दोनों में नहीं किया, वो बॉल को कैच करने गया उसके हाथ से मतलब स्लिप हो गया ऐसा मान लो हो गया कुछ, और भाई रफिनिया ने रॉन्ग फुटेड फिनिश कर दिया डोनारूमा वापस जाने से पहले, 1-0 हो गया 36 मिनट के आसपास। लेकिन यहाँ पे सबको लगा था कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमें 1-0 की लीड मिल गई है, लेकिन हम सबको पता है क्या हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल में, एम्बापे केम बैक विद अ हैट्रिक, और यहाँ पे एम्बापे ने तो नहीं लेकिन भाई स्नेक, भाई सांप ने हमको डस लिया, एम्बा डेम्बेले ने 48 मिनट के ऊपर बंदे ने गोल मारा, और सबसे गंदी बात क्या पता है, उसने सेलिब्रेट किया पागलों की तरह, कुत्तों की तरह उसने सेलिब्रेट किया यहाँ पे अपने फॉर्मर टीम, जिसने 6 साल तक उसके हॉस्पिटल के बिल्स भरे, उसके टेक केयर के उसको, उनके अगेंस्ट गोल मार के इतना सेलिब्रेट करा जैसे चैंपियंस लीग जीत गया वो बंदा। उसके 2 ही मिनट बाद विटिनिया ने गोल मार दिया, जहां पे बार्सा का डिफेंस थोड़ा स्लीप हो गया था, मतलब सो गया था, लेकिन यही टाइम था जब बार्सा ने और जावी ने जावी बॉल दिखाया भाई 60th मिनट के ऊपर, 60-61 मिनट के ऊपर यहाँ पे पेड्री का सब्स्टिट्यूशन होता है, और जैसे ही पेड्री आते हैं मिडफील्ड के ऊपर, बार्सा का जो मिडफील्ड है उसमें कामनेस आ जाती है, बॉल कंट्रोल वापस आ जाती है, और पेड्री आते ही अगले ही मिनट में यहाँ पे डोनारूमा ने गलती की थी, जहां से पेड्री को बॉल मिल जाता है, और पेड्री यहाँ पे एक शानदार, एक काइंड ऑफ अ मॉड्रिच वाला बॉल देते हैं यहाँ पे रफिनिया को, माय गॉड रफिनिया व्हाट अ फिनिश, सेकंड गोल जो करते हैं 62 मिनट्स के आसपास, वहां पर भी डोनारूमा, अगर आप हाईलाइट्स देखोगे ना, डोनारूमा हिलने का भी उसके पास मौका नहीं था, इतना शानदार गोल वहां पे रफिनिया ने मारा। 2-2 हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई ड्रॉ कर लेंगे, बहुत बढ़िया है, क्योंकि होम जो गेम होगा हमारा वो स्पेन में होने वाला है, बार्सा के लिए अच्छी बात है, अवे लेग पहले खेल लिया, ड्रॉ कर लिया तो अगला लेग हम जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद 74th मिनट के आसपास आते हैं भाई आंद्रेयास क्रिस्टेंसन, जी हाँ
क्रिस्टियनसन आते हैं और उसके बाद एक कॉर्नर मिलता है बार्सिलोना को 76 मिनट के आसपास। गुंडोगन लेते हैं वो कॉर्नर और गेस व्हाट, कौन स्कोर करता है ऑन हिज बर्थडे, 28th बर्थडे था कल भाई, 28 साल का हो गया हमारा लौंडा यहाँ पे क्रिस्टियनसन। क्रिस्टियनसन ने यहाँ पे गोल मारा और बार्सिलोना को 3-2 की लीड दिला दी। और मैं एक सच बात बताऊं, कल बार्सिलोना ने बहुत बढ़िया खेला, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम बार्सा फैन, आई एम बार्सा सपोर्टर, आप सिर्फ मेरी बात विश्वास मत कीजिए, आप पोस्ट मैच रिएक्शंस देखिए, पोस्ट मैच जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पर देखिए भाई, थियरी हेनरी हो गए और भी जो लेजेंड्स है, जैसे कि आपके यूनाइटेड के एक प्लेयर है ना, और मैं नाम भूल रहा अभी, रियो फर्डिनेंड भाई, रियो फर्डिनेंड, उनके इंटरव्यूज देखिए पोस्ट मैच, उन्होंने बोला है कि बार्सिलोना ओन्स द शो पार्क द प्रिंसेस में जाके यहाँ पे, और एम्बापे गोस्टेड था स्पेशली फर्स्ट हाफ में ना, एम्बापे आई थिंक पहले 5-6 मिनट एम्बापे दिखा था, उसके बाद 45 मिनट तक, यानी कि आप मान लो 35 मिनट के लिए एम्बापे गायब हो गया था, वो गोस्ट हो गया था। सेकेंड हाफ में जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बारकोला आता है, तब एम्बापे का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द बार्सिलोना प्लेयर्स, लेवनडॉस्की हो जाए, रफीनिया मैन ऑफ द मैच, लामिन यामाल, गुंडोगन, रॉबर्टो ने भी अपना काम किया, उतना अच्छा नहीं किया लेकिन किया, फ्रेंकी डियोंग इंजरी से वापस आ रहा था। यहाँ पे आप देखो कैंसेलो भाई, कैंसेलो और कुबार्सी, इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था बार्सिलोना की, डेम्बेले को रोकना है और असेंसियो को रोकना है, वो काम उन लोगों ने बखूबी किया, एक गोल हालांकि हमको पड़ गया, लेकिन डेम्बेले की भी क्लास है भाई, उसने गोल मार दिया था स्नेक ने। लेकिन जो राइट वाला हमारा एरिया था, राइट बैक वाला, वहां पे भाई जूस कुंड एंड अराउहो दे जस्ट पॉकेट पॉकेट में रख लिया भाई, वहां पे एम्बापे को, एम्बापे को कुछ करने नहीं दिया उसके फ्रेंच टीममेट ने। एम्बापे फ्रस्ट्रेटेड था मैच के बाद, उसकी शक्ल पे लिखा था कि उसका दिमाग खराब हो गया भाई, अभी वो जाके बहस करेगा कोच के साथ। लेकिन यही परफॉर्मेंस ना अगर हमने दोबारा डाल दी यहाँ पे, अगले हफ्ते जब मैच होगा, होम लेग होगा बार्सा का, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग सेमीफाइनल जाएंगे, और दूसरे मैच में चाहे वो एथलेटिको आए हमारे सामने या फिर डॉर्टमुंड, हम उनको हराएंगे, फाइनल में जाएंगे। और मैंने बार बार बोला है भाई, मेरा प्रेडिक्शन है कि फाइनल होगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बार्सिलोना। अब वहां पे क्या होगा वो तो भाई वन ऑफ मैच है, बार्सा भी जीत सकती है, सिटी भी जीत सकती है, लेकिन अगला लेग हम लोग जीतने वाले हैं, ये लिख के ले लो भाई, और कमेंट्स में आके बता दो कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस गेम के दौरान। और गाइस इतना बकबक कर लिया, मतलब बार्सिलोना ने अच्छा खेल लिया, चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल पहला लेग जीत गया, कुछ तो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।